अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूमेरिकल। यहाँ पर न्यूमेरिकल में आपसे पूछा गया है, हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग ए इज इक्वल टू 238 एंड जी इज इक्वल टू 92। तो डाटा है हमारे पास मास नंबर, जो कि ए से रिप्रेजेंट करते हैं 238 है, एटॉमिक आपका, हाँ जी, एटॉमिक नंबर जो है वो जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी इज इक्वल टू 92। पूछा क्या है आपसे, फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले बहुत इजी है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन में आपको पता है एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, वो एटॉमिक नंबर के, यानी 92 अगर एटॉमिक नंबर है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 92। तो ये तो आपके पास आ गया 92। नेक्स्ट है आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया गया था कि किस तरह से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फाइंड आउट करना, मैंने आपको बताया था। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो आ गया आपके पास, न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था, वो है ए इक्वल टू जी एन। ये आपके पास है फॉर्मूला, ठीक है, आप डाटा पुट करें, क्योंकि फाइंड आउट आपने क्या करना है एन। तो ए यहाँ पर जी जो है वो प्लस हो रहा है, यहाँ आके क्या होगा, जी माइनस होगा, एन यहाँ रह जाएगा। ए है आपके पास 238 माइनस जी क्या है 92, तो वैल्यू क्या आएगी, इसको माइनस करें 146। ये है आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। इस फॉर्मूला से आप लोग ये न्यूमेरिकल जो है वो कर सकते हो, आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये आपके पास एग्जांपल थी 1.1। नेक्स्ट है आपके पास केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला में आपको पता है किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके सिंबल्स और उसकी वैलेंसीज का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपको क्लास में भी मैंने बताया था कि सिंबल्स क्या हैं और वैलेंसीज किस तरह से निकाली जाती हैं, वो मैं सारा मेथड आपको बता चुकी हूँ। तो इसकी डेफिनेशन आएगी, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड वैलेंसीज इज कॉल्ड केमिकल फॉर्मूला। अब किसी भी आप केमिकल फॉर्मूला NaCl H2O CO3, ठीक है, तो यहाँ पर सिंबल्स और वैलेंसीज का आना बहुत ज़रूरी है। इसकी वैलेंसी में मैंने आपको निकालना सिखाई थी, ठीक है, प्लस वन माइनस वन, ये आपको पता है किस तरह से आया था, प्लस वन और माइनस वन मैं आपको बहुत डिटेल से बता चुकी हूँ, ठीक है। तो वैलेंसीज और सिंबल्स का होना बहुत ज़रूरी है ताकि एक केमिकल फॉर्मूला को आप लोग आसानी से लिख सको। अब यहाँ मैं आपको जो क्वेश्चन आपका आता है कि वट इज़ इट्स सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस में आपके जो बुक में एक फ्लावर बना है, ठीक है, फ्लावर को लर्न करना है आपने, वहाँ पर मैं कुछ पॉइंट्स उन्होंने केमिकल फॉर्मूला से रिलेटेड ही बताए हैं, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन आपको आ सकता है कि उसकी इम्पोर्टेंस पे नोट लिखें, तो वो आपने फ्लावर जो है ना वो सीक्वेंस के साथ लर्न करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अ केमिकल फॉर्मूला इट शोज द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। सबसे पहला पॉइंट है इसका कि इट शोज़ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। एलिमेंट्स के बारे में आप अगर आपको एक केमिकल फॉर्मूला लिख रहे हो तो आपको यहाँ से एलिमेंट्स क्लियरली नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप वैसे ही कह देते कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, तो क्या आपको एलिमेंट्स नज़र आते, तो उसका सिम्बोलिकली यानी उसके सिंबल्स और उसकी वैलेंसी का लिखना बहुत ज़रूरी है केमिकल फॉर्मूला का, ताकि आप लोगों को उसके एलिमेंट्स का पता चल सके कि उसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं। उसके अंदर सोडियम और क्लोरीन है, ये इस तरह से पता चलेगा जब आप लोग उसका फॉर्मूला लिखोगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, इट शोज अ नंबर ऑफ एटम इन ईच एलिमेंट। नंबर ऑफ एटम्स का भी आपको क्लियरली पता चल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर सपोज ऐसा होता नहीं है, अगर मैं इस तरह से लिख देती तब भी आपको क्लियरली पता चलना था इसके अंदर कितने एटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको पता चल रहा है कि कितने एटम्स हैं। इसके साथ साथ आपको पता चलेगा इट शोज अ कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल। कंपोजिशन यानी वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, कार्बोनेट और कैल्शियम से मिलकर बना है। तो इसकी कंपोजिशन उसकी बनावट कि वो किन दो तीन या चार चीज़ों से मिलकर बना है। यहाँ पर दो से मिलकर बना है ना, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो एक सोडियम और एक क्लोरीन, अगर वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कितने हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, और कितना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। तो ये आपको केमिकल फॉर्मूला से ही शो होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास नंबर फोर पॉइंट कि इट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ द सब्सटेंस। बिल्कुल, नेम ऑफ आपको सिंबल अगर आप लिखते हो आप फौरन से गैस करोगे कि इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड।
अगर आपको ये सिंबल आपके सामने आ रहा है तो आप कहोगे कि ये वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये सारा आपको कहाँ से पता चल रहा है, केमिकल फॉर्मूला लिखने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है इट रिप्रेजेंट वन मोल ऑफ द मॉलिक्यूल इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर आपके पास मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, ये बड़ी सिंपल एग्जांपल मैं आपके सामने रख रही हूँ, ठीक है। वन, इसके साथ भी वन, ठीक है। अभी अगर इसको बैलेंस किया जाता है तो ये आपके पास क्या आएगा, टू। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स के साथ साथ आपको नंबर ऑफ मोल्स का भी पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो किस तरह से पता चला, फॉर्मूला लिखने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है वो जब तक केमिकल फॉर्मूला नहीं लिखोगे तब तक आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, उसका नाम, उसकी कंपोजिशन, उसमें नंबर ऑफ मोल्स का, उसमें नंबर ऑफ एटम्स का आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको केमिकल फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाता है, उससे पहले उन्होंने बताया कि केमिकल फॉर्मूला है क्या और उसका फ़ायदा क्या है, क्या चीज़ जो है वो किस क्यों हमें ज़रूरत पड़ी केमिकल फॉर्मूला को लिखने की। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास वन फॉर्मूला यूनिट के बारे में पता चलेगा, किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला यूनिट के बारे में बताया था कि फॉर्मूला यूनिट होता किसका है, आयनिक कंपाउंड का, जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आए उनका क्या होगा, फॉर्मूला यूनिट, जो को मैंने यहाँ पर आपको क्लास में भी इस तरह से डायग्राम बना के बताया था, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सारा, तो केमिकल फॉर्मूला में आपको केमिकल फॉर्मूला जैसे ही आप लिखोगे ऊपर वैलेंसी वगैरह का आपने लिखा हुआ है तो आपको फॉर्मूला यूनिट के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास इट इंडिकेट्स अ मैस ऑफ द कंपाउंड इन AMU और ग्राम, एटॉमिक मैस यूनिट में और ग्राम में आपको उसका मैस भी पता चलेगा। अगर आपको जस्ट कहा जाता कि वाटर का आपने मैस बताना है, ठीक है, तो क्या आप निकाल सकते थे, लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, इसका आपने मैस जो है वो निकालना है, तो आपके पास हाइड्रोजन कितना है, 1.008, ठीक है। तो यहाँ पर दो हैं हाइड्रोजन तो ऑलमोस्ट टू आ जाएगा, ठीक है, इसको मैं वन के इक्वल कर रही हूँ, तो दो हाइड्रोजन है, दो आएंगे, ठीक है। टू प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो वाटर का आपके पास मैस क्या आया, 16, 17, 18, 18, यानी आपको AMU और ग्राम में मैस भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, उसमें भी आपको आसानी होगी जब आपके पास क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला, चाहे वो वाटर का है, NaCl का है, कैल्शियम कार्बोनेट का है, अमोनिया का है, किसी का भी है। तो केमिकल फॉर्मूला का ये फ़ायदा है कि आप लोग ये सब चीज़ें जो हैं वो बड़ी आसानी से देख सकते हो उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह हम करेंगे हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला को लिखते किस तरह से हैं, कि क्या तरीका था जिसकी वजह से हमने केमिकल फॉर्मूलाज को लिखना सीखा, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो बेटा इससे रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो क्वेश्चन पूछें और अच्छी तरह से इसको लर्न कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।